हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. सो व्हाट इज़ गाइडेंस? गाइडेंस मींस टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट, टू शो पाथ. किसी को डायरेक्शन दिखाना, उसको पॉइंट आउट करना और उसको क्या करना, पाथ को शो कराना, एक क्या है मीनिंग है गाइडेंस का. इट इज़ असिस्टेंस और अ हेल्प रेंडर्ड बाय अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन टू द लेस एक्सपीरियंस पर्सन टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये क्या, ये कैसे हो सकता है जब कोई आपको एक्सपीरियंस इंसान क्या करे, लेस एक्सपीरियंस इंसान को क्या करे, राय दे, उसे समझाए, उसकी मेजर प्रॉब्लम्स को क्या करे, सॉल्व करे, तो वो कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, गाइडेंस बोलते हैं. वो किस किस एरियाज़ में हो सकती है, आपके एजुकेशनल एरिया में होती है, वोकेशनल एरियाज़ में हो सकती है एंड पर्सनल बेसिस पे भी हो सकती है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस? जो श्लोम ने क्या डेफिनेशन दी है, गाइडेंस सीक्स टू हेल्प ईच इंडिविजुअल बिकम फैमिलियर विद अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ. गाइडेंस क्या है, एक तरीके की हेल्प है जो इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि वो क्या हो, फैमिलियर हो खुद की वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से, उसकी खुद की एबिलिटीज से, उसकी प्रीवियस डेवलपमेंट से जो उसने अचीव किया है वेरियस एरियाज़ में, एंड उसके फ्यूचर प्लान्स, उसके एम्बिशंस क्या हैं, उसको भी क्या करती है, समझाती है. क्रो एंड क्रो गिवन द डेफिनेशन, गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शन, इट इज़ नॉट द इम्पोजिशन ऑफ वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर. गाइडेंस किसी को अपनी राय को थोपना नहीं है, आप किसी को ज़बरदस्ती उसकी सोच को नहीं चेंज करोगे, सिर्फ आप क्या करोगे, एक एडवाइस का, एडवाइज़र का काम करोगे, आप उसको सिर्फ डायरेक्ट करोगे. इट इज़ नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर एनी एन इंडिविजुअल विच ही शुड मेक फॉर हिमसेल्फ और कैरिंग अ बर्डन ऑफ अनदर लाइफ. यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी को राय दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी सोच से चले. गाइडेंस क्या है, सिर्फ एक इंसान को पाथ दिखाना, उसको डायरेक्शन दिखाना, उसको अवेयर करना, उसको एडवाइस देना है. हमें ये नहीं करना है कि अपने डिसीजंस को सामने वाले के ऊपर हम क्या करें, थोपें. दिस इज इन हिंदी. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ गाइडेंस? द फर्स्ट वन इज, इट इज अ हेल्पिंग सर्विस. ये क्या है, एक हेल्पिंग सर्विस है, वेदर गिवन टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप. या हम इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और ये ग्रुप को भी दे सकते हैं. इट्स एम टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल. ये क्या करता है, एक एड की तरह क्या करता है, अपना काम करता है. इट हेल्प्स अ पर्सन टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट वेयर ही और शी लिव्स एंड ऑल्सो एडजस्ट विद वन सेल्फ और अदर. तो ये हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या करता है, एक एडजस्टमेंट का हेल्पिंग हैंड देता है ताकि इंसान क्या करे, दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करे, खुद को समझने की कोशिश करे. इट हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. ये हमारे अंदर सेल्फ डिपेंडेंस इंक्रीज करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन इंक्रीज करता है टू सॉल्व हिज और हर डिफ़िकल्टी बाय हिमसेल्फ. जो कि क्या करता है, हमें डायरेक्ट करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे. इट इज़ अ सेल्फ ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मल्टीफैक्टर एक्टिविटी. ये क्या है, एक सेल्फ ओरिएंटेड सर्विस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस है और मल्टीफैक्टर सर्विस है. यानी इसके बहुत वेरियस फैक्टर हैं जिसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. द लास्ट वन इज, इट कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल who needs that the scope of guardian, this is not guardian, this is guidance, is very wide, which includes individual of any age, any interest, any nature. तो जो need होती है गाइडेंस की, स्कोप क्या है, बहुत वाइड है. किसी इंसान को पर्सनल लेवल पे चाहिए, किसी इंसान को अपनी एबिलिटीज़ को जानने के लिए चाहिए, किसी इंसान को अपने एजुकेशनल फील्ड के लिए चाहिए, किसी को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चाहिए. तो दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ गाइडेंस. दिस इज इन हिंदी.
What are the principle of guidance? These are the important principles of the guidance. Principle of all round development of the individual. ये किस में help करता है? All round development of the individual. Principle of human uniqueness. हर इंसान क्या होता है? Unique होता है. तो उसकी जो कह सकते हैं thought of process है, thinking ability है, वो क्या होगी? Different होगी. तो उसको different pace पे हम गाइड करेंगे. प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इन एंड आउट. प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब ये नहीं है कि आपको पॉज लेना है, आपने एक चीज़ अचीव कर ली, यू हैव टू कंटिन्यू योर डेवलपमेंट. प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, अपना जो आपने अचीव किया है उसको और एक्सपेंड करो. प्रिंसिपल ऑफ एलेबोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ एलेबोरेशन मतलब हर चीज़ को एलेबोरेट अच्छे प्रॉपर वे में क्या करो, उसको डीपली समझने की कोशिश करो, डीपली जानने की कोशिश करो. प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, चीज़ों को एडजस्ट करना दूसरे लोगों के साथ, दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना. तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस. प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, वी ऑलवेज नीड अ मेंटोर और अ टीचर और अ पेरेंट और अ गार्जियन टू गाइड अस. ओके. प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ. हाउ एंड वट वी हैव अचीव टिल डेट. तो इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस वेर यू इवेल्युएट योर सेल्फ, योर अचीवमेंट, योर टारगेट्स, एवरीथिंग. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस. समवेयर द स्पेलिंग इज रॉन्ग. ओके. The here, here, here. Okay, we have to correct it. Principle of responsibility. Principle of periodic appraisal. These are the principle of guidance. This is in Hindi. Why we need guidance? What are the need of? Why we need guidance? Needs of guidance because it helps a person to develop his or her abilities and prepare him or her to cope up with a different situation. Okay? हमें क्या है, इंसान को क्या करना है? हेल्प करना है उसकी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, उसको प्रिपेयर करना है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कोप अप कर पाता है, कैसे निकल पाता है. इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन इंडिविजुअल टू अटेन मैच्योरिटी ऑफ जजमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इमोशन, वॉयलेशन कंट्रोल, विच आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सेल्फ डायरेक्शन. जो इंडिविजुअल है उसको एक ऐसे मैच्योरिटी लेवल पर आना चाहिए जहाँ पर वो जजमेंट करना, स्टेबिलिटी ऑफ इमोशन आ जाए उसके अंदर, एक वॉयलेशन कंट्रोल आ जाए. तो ये क्या होगा, एक सेल्फ डायरेक्ट कर पाएगा इंसान को हाउ टू टेक अ डिसीजन. ओके. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, वन्स टैलेंट, एबिलिटी एंड पोटेंशियल्स, ऑल्सो द लिमिटेशन. गाइडेंस हमें क्या, किस में हेल्प करता है? खुद को जानने में, खुद के टैलेंट्स को जानने में, खुद की एबिलिटीज़, पोटेंशियल को जानने में और खुद की लिमिटेशंस को जानने में. इट हैज स्टूडेंट्स चूज विच स्ट्रीम करियर इज बेस्ट फॉर देम. यूजुअली दिस सिचुएशन अराइजेज एट द टाइम ऑफ करियर सिलेक्शन अटेंड आफ्टर द बोर्ड एग्जाम. थस गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम एंड दे हैव यूज्ड अप फॉर द बेस्ट करियर प्लान्स विच गिव द मीनिंग टू देयर लाइफ. तो गाइडेंस क्या है, एक किस्म मतलब एक ऐसी सर्विस है जो हमको टाइम टू टाइम चाहिए होती है. आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड अवर बोर्ड एग्जाम्स और ट्वेल्थ, वी हैव टू ऑप्ट फॉर अ स्ट्रीम लाइक वी गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री और अ प्रोग्राम. सो दीज आर द नीड ऑफ द गाइडेंस. देर आर मैनी
examples of individual differences among people who face difficulties performing different situation. Some are shy, social, kind, etc. by nature. Thus, guidance help individuals to adjust in his or her environment and act accordingly. So, क्या है individual differences क्या होंगे? Individual differences होंगे तो difficulties face की जाएगी among the people. So, उसको भी क्या करता है ये? Control करता है. Somewhat help individual to adjust with each other, okay? So, this is in Hindi. Type of guidance. What are the type of guidance? There are many type. I have taken only three, which are important for the exam point of view. Okay. Educational guidance. The chief aim of educational guidance is to develop the ability of coordinating with social environment in the student to create necessary awareness so that they may select themselves proper learning objectives and situation. जो चीफ एम होता है एजुकेशनल गाइडेंस का वो क्या होता है, डेवलप करना एक एबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद स्कूल एनवायरनमेंट. हमें स्कूल एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है टू क्रिएट अ नेसेसरी अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स सो दैट दे मे सेलेक्ट देमसेल्फ एंड अ प्रॉपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड सिचुएशन. एजुकेशनल गाइडेंस एक आपका ऐसा सर्विस है जो हर स्टूडेंट को हर स्कूल एनवायरनमेंट में ढलने के लिए मदद करता है. उसको बताता है कि आपको प्रॉपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे यूज़ करने और उनको कैसे यूटिलाइज़ करना टू गेन नॉलेज और टू हैव नॉलेज. ओके, objectives of educational guidance. What are the objectives? To monitor the academic progress of the student. Educational guidance हमें help करता है कि student कितनी progress कर रहा है in a given time. To identify the gifted, creative and backward and other categories of the special learner. जो educational guidance है वो हमें क्या बताता है कि विच आर द क्रिएटिव वन, विच आर द गिफ्टेड चाइल्ड, विच आर द बैकवर्ड चाइल्ड एंड विच आर द स्पेशल लर्नर. टू असिस्ट द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, टू अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल्स, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन. हमें स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी लिमिटेशंस को उनको समझाना चाहिए. टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट विद द स्कूल्स एनवायरनमेंट. एजुकेशनल गाइडेंस क्या करती है, मदद करती है बच्चों को कि स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ क्या करें, एडजस्ट करें. इट्स रूल एंड रेगुलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एडजस्ट करें एंड सोशल लाइफ कनेक्टेड विद इट. जो सोशल लाइफ हमारे स्कूल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है उसमें भी क्या करें, एडजस्टमेंट करना सिखाएं. टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट विद द स्कूल एनवायरनमेंट, इट्स रूल एंड रेगुलेशन, दिस इज रिपीटेड वन. To help student to participate in the education activities in which they can develop leadership, educates and other social qualities. Student को क्या करता है, मदद करता है educational activities में participate करने के लिए. जो हमें क्या सिखाते हैं, leadership सिखाते हैं, जो हमारे educates हैं वो सिखाते हैं and social qualities को increase कराता है. This is in Hindi, okay? Second one is vocational guidance. What are the vocational guidance? It helps an individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon it, progress in it. यहाँ पे vocational का मतलब है to have an occupation or a basic knowledge to live a livelihood. Okay. सो यहाँ पे क्या है, आपको एक ऑक्यूपेशन चूज़ करने के लिए मदद की जाती है. आप उसमें कैसे आओगे, उसको कैसे कंटिन्यू करोगे और उसको कैसे प्रोग्रेस करोगे. इट इज़ कंसर्न प्राइमरली विद द हेल्पिंग इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन चॉइसेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग अ फ्यूचर एंड बिल्डिंग अ करियर.
तो एक कंसर्न किस लिए होता है? प्राइमरली हेल्पिंग इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन. आप बेसिक डिसीजंस लोगे लाइफ में, चॉइस करोगे जो इवॉल्व होगी आपकी फ्यूचर को लेके, हाउ टू प्लान द फ्यूचर, टू हैव अ गुड ऑक्यूपेशन एंड अ बेसिक नॉलेज ऑफ दैट ऑक्यूपेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ द वोकेशनल गाइडेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस? द फर्स्ट वन इज टू हैव द पीपल बाय चूजिंग एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट. जो ऑक्यूपेशन में आपको लगता है आप प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे, आपको क्या करना चाहिए वही अडॉप्ट करना चाहिए. टू गिव असिस्टेंस ड्यूरिंग स्कूल ईयर सो दैट द इंडिविजुअल विल एबल टू एडजस्ट ऑन द जॉब वर्क कंडीशन विद द अदर. स्कूल स्कूल के साथ साथ ही बच्चों को क्या कराना चाहिए, थोड़ा बेसिक ऑक्यूपेशन जो आप अडॉप्ट करने वाले हो आने वाले टाइम में, उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग दे देनी चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, दो चीज़ों को साथ में लेके चलना सीखे. टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शन. जो बच्चा है उसको हम ये नहीं है कि एक ही ऑक्यूपेशन के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं. वी हैव टू गिव देम टू और थ्री ऑप्शंस सो दैट दे कैन अडॉप्ट वन ऑफ देम. सो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा अच्छे से प्रोडक्टिवली अपनी माइंड को यूज़ करते हुए चूज़ करेगा विच सूट देयर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज और इंटरेस्ट. इंस्टीट्यूशन वेयर द फैसिलिटीज ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल. ओके, विदाउट ट्रेनिंग हाउ कैन यू अडॉप्ट फॉर एनी करियर और एनी ऑक्यूपेशन? यू हैव अ बेसिक ट्रेनिंग फॉर दैट. ओके, टू ब्रिंग एक्सलेंस इन द जॉब परफॉर्मेंस बाय एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एज अ वोकेशनल फॉर एन इंडिविजुअल. जो एक्सलेंस आएगा आपका जॉब परफॉर्मेंस में वो पर्टिकुलर होगा कैसे? एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. आप ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के साथ साथ आप क्या बन सकते हो, कुछ और बन सकते हो. आज के टाइम में ये चीज़ मैं कह सकती हूँ हो सकती है, बट एट द टाइम आप एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे. ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए अपनी परफॉर्मेंस में तो आपको सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन पे क्या करना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए. ओके, टू प्रोवाइड असिस्टेंस एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल बाय कंसिडरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो यहाँ पे क्या है, हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जो बच्चों की नीड है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नज़र में रखते हुए. अब किसी की एबिलिटी है, किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा है, किसी का कॉमर्स में ज़्यादा है, तो दे हैव डिफरेंट क्राइटेरिया. ओके, दिस इज़ इन हिंदी. The last one is personal guidance. What is personal guidance? Personal guidance may be defined as assistance offered to the individual to solve their emotional, social, ethical or moral as well as health problems. Personal problem में आपको wide range of guidance use करना पड़ेगा so that you can cope up with your major difficulties related to your emotional, social, ethical, moral, health problems. Okay, thus personal guidance deal with all these problems of the life which are not covered under the education or vocational guidance. Objectives of the personal guidance. What are the objectives of personal guidance? To help an individual to analyzing, understanding the personal problem of the individual. To analyze or to understand the personal problem. हमें उसको चीज़ों को परखना भी है और चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है पर्सनल लेवल पर. To make individual sensitive about their environment. Individual को क्या बनाना, एक sensitive nature create करना environment के towards. To assist the individual to solving their problem related to different sphere of their life like family, vocation, adjustment of society. But
जो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या करना, असिस्ट करना रिलेटेड टू द स्कूल, वोकेशन, फैमिली, सोसाइटी, ओके, टू एनहेंस द एडजस्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. एनहेंस करना मतलब और चीज़ों में एडजस्ट कराना सिखाना. विद द हेल्प ऑफ अ पर्सनल गाइडेंस वी हैव मोर एबिलिटी टू एडजस्ट इन द एनी इन्वायरमेंट. ओके, टू अंडरस्टैंड द पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन. जो पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है लोगों में कि दिस इज मोर इंटेलिजेंट, दिस इज मोर ब्यूटिफुल, सो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में. तो पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी जो लोगों के लेवल पे होती है वो क्या करना, उसको समझना और उस कॉज को क्या करना, बेस्ट सॉल्यूशन देना भी किसका काम है, पर्सनल गाइडेंस का काम है. टू हेल्प इन डेवलपिंग गुड रिलेशन विथ फैमिली मेंबर, रिलेटिव, सोसाइटी मेंबर, टू रिमूव माल एडजस्टमेंट, परफॉर्मिंग द रोल इन बेटर वे. जो लोगों के दिमाग में थॉट होते हैं उनको क्या करना, अच्छे से डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ पर्सनल गाइडेंस, सो दैट दे कैन मेक अ गुड रिलेशन अमंग द फैमिली, रिलेटिव्स एंड द सोसाइटी. सो दिस इज इट फॉर टुडे. ओके, दिस इज इन हिंदी. This is it for today. If you like my video, then subscribe my channel and thanks for watching my video.